काफ़ी लोगों ने मेरे से पूछा है कि आयुष 82 कैसा प्रोडक्ट है, इसके बारे में एक रिव्यू करिए, इसके बारे में एक वीडियो बनाइए, क्या वो प्रोडक्ट अच्छा है, क्या हमें वो लेना चाहिए, क्या उसके कोई साइड इफेक्ट है। तो गाइस आपके फरमाइश पे ही आज हम रिव्यू करेंगे आयुष 82 प्रोडक्ट का। तो आइए देखते हैं कि आयुष 82 में आखिर ऐसा क्या खास बात है, क्या इंग्रेडिएंट है इसमें और क्या ये प्रोडक्ट आपको लेने से आपका डायबिटीज ठीक हो सकता है। सो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आयुष 82 जो है वो अप्रूव्ड है बाय मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड है और ये प्रचार किया जा रहा है कि इसका गोली जो है मात्र 5 रुपये में आता है, बहुत ही अफोर्डेबल है। लेकिन अफोर्डेबल के साथ इफेक्टिव होना बहुत ज़रूरी है, तो क्या ये इफेक्टिव है आज इसके बारे में हम जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अनुपम घोष है, मैं एक डायबिटीज कोच हूं और एक फिटनेस न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट। आज हम रिव्यू कर रहे हैं आयुष 82 को और ये एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है और ये अप्रूव्ड है बाय मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। तो चलिए देखते हैं इसका इंग्रेडिएंट्स क्या है। तो गाइज अगर मैं इसका इंग्रेडिएंट्स देखूं तो इसमें सबसे पहले गुड़मार पत्र है, यानी कि मधुनाशिनी इसको बोलते हैं और मधुनाशिनी एक बहुत ही अच्छा इंग्रेडिएंट है। उसके बाद उन्होंने करवेला बीजा यानी कि करेले के बीज का इस्तेमाल किया है, ये भी एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। उसके बाद उन्होंने जामुन सीड्स इन्होंने इस्तेमाल किया है, जो कि जम्बू सीड्स बोल रहे हैं यहाँ पे, तो जामुन सीड्स ये भी अच्छा है। बहुत सारे स्टडीज है जो बताते हैं कि ये शुगर लेवल कंट्रोल करने में मदद करता है। उसके बाद आमरा बीजा का मतलब होता है कि आम का गुठली, तो आम का गुठली का मुझे ऐसा कोई साइंटिफिक एविडेंस मालूम नहीं है और कोई नुकसान भी नहीं हो सकता है क्योंकि ये सारे जो है प्लांट प्रोडक्ट है। अब सवाल ये आता है कि क्या ये इफेक्टिव है। तो गाइस अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि आयुष 82 से आपका डायबिटीज क्योर हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आयुष 82 से बिल्कुल भी आपका डायबिटीज क्योर नहीं हो सकता है। ये जस्ट एक सप्लीमेंट की तरह है जो आपको हेल्प कर सकता है, आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन अगर आपको अपना डायबिटीज रिवर्स करना है तो आपका लाइफस्टाइल चेंज करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप अपना लाइफस्टाइल चेंज नहीं करेंगे, जब तक आप न्यूट्रिशन के बारे में नहीं जानेंगे, तब तक आप अपना डायबिटीज रिवर्स नहीं कर सकते। तो गाइज इसका एक न्यूज़ भी देख रहा था, तो आइए देखते हैं न्यूज़ में वो क्या कह रहे हैं। बात करते हैं डायबिटीज़ की। अगर आपके घर में कोई डायबिटीज़ का मरीज़ है तो ये खबर आपके लिए काफ़ी अहम है, ये खबर आपके बहुत काम की है। डायबिटीज़ के 38 करोड़ से ज़्यादा मरीज़ हैं दुनिया भर में, अकेले भारत में 6.5 करोड़ लोग डायबिटीज़ से पीड़ित बताए जाते हैं। तो इन सब के लिए खुशखबरी ये है कि 5 रुपए की डायबिटीज की गोली आई है, सरकार ने मंजूरी दी है, आयुर्वेदिक। जी हाँ, जिस बीमारी से एक अनुमान के मुताबिक 6.5 करोड़ भारतीय जूझ रहे हैं, उसको कंट्रोल करने की आयुर्वेदिक गोली को सरकार ने मंजूरी दे दी है और गोली की कीमत है सिर्फ 5 रुपए। टाइप 2 डायबिटीज के लिए कारगर बताई जा रही ये 500 मिलीग्राम की गोली आयुर्वेद में क्वालिफाइड डॉक्टर की सलाह पर दिन में 2 बार लेनी होगी। और टाइप 2 डायबिटीज का जो इलाज आपका चल रहा है उसकी दवाओं के अलावा आपको ये गोली लेनी होगी आयुर्वेद में क्वालिफाइड डॉक्टर की सलाह पर। टाइप 2 डायबिटीज में मरीज के शरीर में या तो इंसुलिन बहुत कम बनता है या फिर शरीर इसका इस्तेमाल नहीं कर पाता। टाइप 2 डायबिटीज होने पर मरीज के शरीर में ग्लूकोज शरीर की कोशिकाओं तक नहीं पहुंच पाता और खून में मिलना शुरू हो जाता है। तो सुना और देखा आपने, तो ये खुद कह रहे हैं कि आयुष 82 को आपको अपने जो डायबिटिक ड्रग्स आप ले रहे हैं उसके साथ लेना पड़ेगा, ना कि आप बाकी सारे दवाई बंद करके इसको ले सकते हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि आपके डॉक्टर के कंसल्टेशन के बाद ही आपको ये लेना चाहिए। तो प्लीज़ इस दवाई को अपने खुद से लेना मत शुरू कर दीजिए। और बाकी दवाई बंद करके काफ़ी लोग मैं जानता हूँ ये शुरू कर देते हैं कि चलो भाई ये आयुर्वेदिक दवाई है तो इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, बाकी दवाई बंद कर देते हैं। लेकिन गाइज ये न्यूज़ में आपने खुद ही देख लिया है कि ये खुद बता रहे हैं कि आपको बाकी दवाई बंद नहीं करनी है और ये दवाई उसके साथ लेना है। तो गाइज अगर आप लोग इस तरह के प्रोडक्ट लेते रहेंगे, इस तरह के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के पीछे भी भागेंगे, तो आपका डायबिटीज कभी भी रिवर्स नहीं हो सकता है। इसमें इन्होंने एक और बात कही, इन्होंने ये कहा कि टाइप 2 मरीजों को जो है इंसुलिन लेवल की कमी होती है या वो ठीक तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो उनकी जो दूसरी बात है, मैं बिल्कुल सहमत हूँ,
ठीक तरह से इंसुलिन इस्तेमाल नहीं कर पाते टाइप 2 के मरीज जो होते हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल सही नहीं है कि टाइप 2 के मरीज को इंसुलिन की कमी होती है, ये बिल्कुल भी सच नहीं है। और अगर इस सच्चाई के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप एक फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट करके देख सकते हैं। जब आप फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि या तो आपका फास्टिंग इंसुलिन या तो नॉर्मल रेंज में होगा या नॉर्मल रेंज से ज़्यादा होगा। तो गाइज, मैंने ऑलरेडी फास्टिंग इंसुलिन के बारे में बताया है, एक वीडियो बनाया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस लिंक को क्लिक करिए और उस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि आपको जानना बहुत जरूरी है कि फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट क्या होता है और क्यों हम ये टेस्ट करवाते हैं। तो गाइस, जो भी टाइप 2 के मरीज होते हैं उनको इंसुलिन की कमी नहीं होती है, बल्कि इंसुलिन ज्यादा होता है और हम इंसुलिन की लेवल जो है उसको कम करने की कोशिश करते हैं। तो गाइज, अब सवाल ये आता है कि क्या ये प्रोडक्ट लेना चाहिए, क्या ये प्रोडक्ट को लेने से कोई हानि हो सकता है, कोई साइड इफेक्ट हो सकता है। तो गाइज, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस दवाई का कोई फायदा नहीं है। जब तक आप अपना लाइफस्टाइल चेंज नहीं करेंगे तब तक कोई फायदा नहीं है। अगर आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करेंगे और उसके बाद ये प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो ये आपका चॉइस है। नेक्स्ट आते हैं कि क्या इससे साइड इफेक्ट होगा। साइड इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, इसमें कोई ऐसा केमिकल नहीं है, सारे चीज जो है वो नेचुरल चीज है, तो इसलिए साइड इफेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन इफेक्टिव भी नहीं होगा जब तक आप अपना लाइफस्टाइल चेंज नहीं करेंगे। तो गाइज, अगर आप अपना डायबिटीज रिवर्स करना चाहते हैं तो आपको एक न्यूट्रिशन की कोचिंग लेना बहुत जरूरी है, आपको न्यूट्रिशन के बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो अगर आप भी अपना डायबिटीज रिवर्स करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं और मेरे डायबिटीज रिवर्सल प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। तो गाइज, इस वीडियो को जरूर शेयर करिए सभी लोगों से, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो समझते हैं कि आयुष 82 का प्रोडक्ट लेंगे और उनका डायबिटीज जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, प्लीज आप लोग समझिए। इन्होंने खुद कहा है कि इस प्रोडक्ट को आपको बाकी दवाई के साथ लेना पड़ेगा और तभी आप अपना डायबिटीज जो है कंट्रोल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ अच्छा इन्फॉर्मेशन मिला होगा और आप ये खुद डिसाइड कर सकते हैं क्या आयुष 82 आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूंगा आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ। अब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।